हे फ्रेंड, वेलकम टू माय फिटनेस फैक्ट्री। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं आपके साथ टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड फास्ट, जल्दी से जल्दी मसल बिल्ड कैसे की जाए। तो आज मैं इसके लिए आपको पांच ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी अपना मसल बिल्ड कर सकते हो। टिप नंबर फर्स्ट, चेंज शेड्यूल। चेंज शेड्यूल मतलब आप एक शेड्यूल जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसको 4 से 6 वीक ही फॉलो करें, इससे ज़्यादा आप उस शेड्यूल को फॉलो ना करें। बिकॉज कोई भी एक्सरसाइज आप अगर काफी लंबे टाइम तक सेम फॉलो करते रहोगे तो आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज की हैबिचुअल हो जाएगी और आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप अपना शेड्यूल टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। आप मैक्सिमम एक शेड्यूल को 4 से 6 वीक ही फॉलो करें। नंबर 2, कैलरी सरप्लस। कैलरी सरप्लस मतलब आप पूरे दिन में जितने भी कैलरी लेते हो या जितनी भी आपकी मेंटेनेंस कैलरी है उसमें आप 200-300 कैलरी प्लस ऐड करके चले, इसे कहते हैं कैलरी सरप्लस। और इससे क्या होगा, आप मसल बिल्डिंग में जितनी कैलरी सरप्लस करके चलोगे आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और मसल बिल्डिंग और गेनिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो नंबर 3, मसल एंड माइंड कनेक्शन। मसल एंड माइंड कनेक्शन का मतलब होगा कोई भी आप एक्सरसाइज वगैरह लगा रहे हो तो उसमें आप अच्छे से माइंड फोकस करके लगाए। जैसे आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हो तो अगर आप इसमें आपका ध्यान कहीं और आप इसको लगाते जाओगे तो आपका उतना अच्छा पंप नहीं आएगा। इसे आप अच्छे से फील करके और बिल्कुल धीरे लगाओगे तो आपको इससे ज्यादा फील होगा। तो इसे कहते हैं मसल एंड माइंड कनेक्शन। जितना आप अच्छा आप वर्कआउट करते जाए अपना माइंड तो उससे ट्रेन करके वर्कआउट परफॉर्म करोगे तो उतना ज्यादा आपके मसल में फर्क पड़ेगा और आप उतना ज्यादा गेनिंग करोगे। तो वर्कआउट करते टाइम माइंड प्रॉपर फोकस रखकर वर्कआउट करें। टिप्स नंबर 4, रिकवरी। रिकवरी मतलब आप जितने भी वर्कआउट वगैरह लगाते हो तो उसके लिए आपको रिकवरी के लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप जरूरी है जिससे कि आपके हॉर्मोन्स वगैरह ज़्यादा सक्रिय होंगे और ज़्यादा ग्रो करेंगे और जो भी आप अगर डाइट वगैरह लोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिकवरी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डीप स्लीप लें और अच्छी डाइट वगैरह लें तो जिससे आपको क्या मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। टिप्स नंबर 5, कार्डियो। अक्सर लोग गेनिंग के टाइम में कार्डियो को छोड़ देते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि कार्डियो करने से हमारी मसल बिल्डिंग नहीं होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये गलत है। आप वर्कआउट करते हो और उसके साथ आपको कार्डियो भी अच्छे से परफॉर्म करना जरूरी है बिकॉज कार्डियो से क्या आपके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है। बिकॉज जब भी आप कार्डियो वगैरह करते हो तो उससे क्या आपकी हार्ट रेट ज़्यादा अच्छी होती है और आप वर्कआउट करते टाइम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो कार्डियो में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ रनिंग ही करनी है, आप कार्डियो के अंदर कुछ भी कर सकते हो। रनिंग होगी, साइकिलिंग होगी, एरोबिक्स होगी, क्रॉसफिट होगी, आप कोई भी मूवमेंट कार्डियो में कर सकते हो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा थकान हो और आपकी हार्ट रेट ज़्यादा बढ़े। तो उसमें आप नॉर्मल 30-40 मिनट का अपने वर्कआउट शेड्यूल में कार्डियो ऐड करें, वो भी सिर्फ वीक में 2 से 3 दिन ही कार्डियो करना है, इससे ज़्यादा आपको कार्डियो नहीं करना। तो अगर ये 5 टिप आप अपने वर्कआउट शेड्यूल के अंदर डालोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल फिट करने में आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो कैसे लगी आपको वीडियो? आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें।